हेलो बच्चों, मैं उर्मिला एजुकेशनल अकेडमी बस्ती से बसंत कुमार गुप्ता। देखिए, हम आपको लेंस के बारे में बता रहे थे। चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। आज उससे संबंधित कुछ दो चार क्वेश्चन हमने आपको दिए थे, तो जो क्वेश्चन हमने दिया था उसी में से ही कुछ क्वेश्चन आपको हम बता दे रहे हैं। क्वेश्चंस बच्चे कम लगा रहे हैं, जहाँ तक मेरी जानकारी है कि बच्चे जो है क्वेश्चंस कम लगा रहे हैं, और ख़ासकर मेरे फर्स्ट ईयर A1 और A2 के जो बच्चे हैं, इनका कोई कुछ मतलब इनका पता नहीं चल रहा है कि ये मतलब है कि नहीं है, कहाँ है, कैसे हैं, क्योंकि इन्होंने ना अभी तक कोई कमेंट किया, ना कोई बात की, ना कोई क्वेश्चंस पूछा। अब मुझे कष्ट केवल सेकेंड ईयर A1 के बच्चों से ज़्यादा है, जो इस फर्स्ट ईयर A1 के, जो इस समय सेकेंड ईयर A1 में है, उनसे मुझे ज़्यादा कष्ट है कि वो अच्छे हैं। फिलहाल उन्होंने कोई क्वेश्चंस पुटअप नहीं किया, ना कोई नया क्वेश्चन उनको दिया, वो एकदम शांत बैठे हैं, लॉकडाउन का थटने का इंतजार कर रहे हैं। तो कम से कम वो बच्चे ज़रूर क्वेश्चन पूछें, जिनसे ज़्यादा उम्मीद हम लोग रख रहे हैं। तो आगे की चर्चा हम करते हैं। चैप्टर आपका समाप्त हो गया। आज सारे फार्मूले मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, और आज दो तीन क्वेश्चन मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले था कि किसी गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र, गोलीय पृष्ठ के अपवर्तन का सूत्र क्या था? N/B-1/U=N-1/A। जहाँ मैंने बताया था N क्या है, N पहले माध्यम के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक। दूसरा आपको बताया दिया था किसी लेंस के अपवर्तन का सूत्र बताया था, 1/V-1/U = होता है N-1 1/R1-1/R। यहाँ भी N होगा पहले माध्यम के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, और R1 R2 लेंस के पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या बताया था। R1 R2 किस तरीके का होता है, कब उसका धनात्मक ऋणात्मक मान रखा था, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बना के बताया होगा। किसी लेंस की फोकस दूरी के लिए फार्मूला था 1/F (N-1)(1/R1-1/R2). यहाँ भी N लेंस के पहले माध्यम के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक है। अगर मान लीजिए कि कोई एक फार्मूला इसमें और था, लेंस यू भी इसमें है, कि अगर मान लीजिए कि लेंस का अगर वायु माध्यम में एक डायरेक्ट फार्मूला है, लेंस की वायु में फोकस दूरी FA तथा किसी द्रव में फोकस दूरी FL हो, तो FL/FA बराबर होता है ANG-1/LNG-1। जब पृष्ठों की वक्रता त्रिज्या न दी गई हो तब यह फार्मूला लगाते हैं। और किसी लेंस के लिए UBF में संबंध आपका था 1/F = 1/V-1/A। लेंस की आवर्धन क्षमता M बराबर क्या था, Y2/Y1 = V/U। लेंस की क्षमता P/R क्या होती, 1/F मीटर में अगर है तो, या एक फार्मूला था 100/F अगर F सेंटीमीटर में। अगर दो लेंसों को परस्पर संपर्क में रखा जाए तो संयुक्त लेंस की फोकस दूरी 1/F बराबर होता है 1/F1+1/F, और संयुक्त लेंस की क्षमता P/R क्या हो जाएगी, P1+P2। ये इतने फार्मूले हैं जिस पर आपको सवाल लगाना है और इन्हीं को हल करना है। आज हम कुछ सवाल जो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में वीडियो के साथ जो सवाल दिए थे, कुछ सवाल मैं आपको बताऊंगा, और उन्हीं सवालों में से एक सवाल देख लीजिए। सूत्र को आप लोग लिख लीजिए, अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करिए, नोट सूत्र का जरूर बना लीजिए। जो लोग अभी कुछ बच्चे नोट्स कहीं से पा गए हैं या किसी द्वारा उनको मिल गया है, तो उनको नोट लिखने की आवश्यकता नहीं है, पर जो बच्चे नोट्स नहीं बना रहे हैं
तो कम से कम अगर कुछ नहीं करते हैं तो फार्मूले का जरूर बना लें चित्र बनाकर कि वास्तव में करना क्या है हमको। तो इसी से संबंधित एक सवाल मैं आपको बता रहा हूँ, ये कह रहा है कि 1.5 अपवर्तनांक के 1.5 अपवर्तनांक वाले कांच से बने एक लेंस की वायु में फोकस दूरी, एक लेंस है इसका अपवर्तनांक n बराबर 1.5 है और वायु में फोकस दूरी कितनी दी है 50 सेंटीमीटर। यदि इस लेंस को 1.2 अपवर्तनांक वाले द्रव में डाल दिया जाए, यानी वायु के सापेक्ष लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक दिया है, अगर इस लेंस को 1.2 अपवर्तनांक वाले द्रव में डाल दिया जाए तो इस लेंस की द्रव में फोकस दूरी क्या होगी, इस लेंस की द्रव में फोकस दूरी क्या होगी। तो डायरेक्ट चूंकि वक्रता त्रिज्या दिया नहीं है तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे, तो दिया क्या है ये एन जी है, दिया क्या है एन जी का मान दिया, एन जी मतलब ए एन जी 1.5 दिया है, ए एन जी भी लिख सकते हैं, वायु में फोकस दूरी एफ ए बराबर 50 सेंटीमीटर दिया है, द्रव का अपवर्तनांक एन एल बराबर दिया है आपका 1.2। आपको वायु में द्रव में फोकस दूरी निकाली लेंस की, तो मान लेंगे लेंस की द्रव में फोकस दूरी जो है, लेंस की द्रव में फोकस दूरी क्या है एफ एल है। अगर वाटर में कहता जल में कहता तो एफ डब्ल्यू लिख देते, तो फार्मूला मैंने अभी कुछ देर पहले बताया क्या होता है, एफ एल बटे एफ ए बराबर ए एन जी माइनस वन अपार एल एन जी माइनस वन। अब एल एन जी पहले निकालना पड़ेगा, तो एल एन जी कैसे निकालते हैं बताया गया होगा, ए एन जी अपान ए एन एल, ए एन जी आपका कितना है 1.5 बटे 1.2, 1.5 कट जाएगा, 3 से काटेंगे 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 5/4 आ जाएगा। मान रख देंगे एफ एल का मान तो हमको नहीं मालूम है, एफ ए 50 है, ए एन जी का मान 1.5, 1.5 को हम 3/2 भी लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 3/2 - 1 और 5/4 - 1, क्लियर हो गया। या एफ एल बटे 50 बराबर ऊपर वाला सही करेंगे तो 1/2 आएगा और नीचे वाला सही करेंगे तो 1/4 आएगा, यानी एफ एल बटे 50 बराबर क्या हो जाएगा 4/2 हो जाएगा, 2 × 2 = 4, तिरछा गुणा करेंगे एफ एल बराबर क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। आपका इसी तरीके से एक दो सवाल हम आपको और बताते हैं, लेंस से रिलेटेड सवाल है। जैसे मान लीजिए कोई सवाल है कि एक वस्तु एक पर्दे पर, पर्दे पर मैंने पहले बताया कि पर्दे पर जब भी प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक प्रतिबिंब सदैव जो होता है वो उल्टा होता है। तो करा एक वस्तु की एक पर्दे से दूरी कितनी है 75 सेंटीमीटर, एक वस्तु की एक पर्दे से दूरी कितनी है 75 सेंटीमीटर है, तो इनके बीच 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, पतला उत्तल लेंस होगा, एक पतला उत्तल लेंस कहाँ रखा जाए कि वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त हो। इनके बीच आपको 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस है, उसको कहाँ रखा जाए कि वस्तु का प्रतिबिंब जो हो वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ पर प्राप्त हो, पर्दे पर प्राप्त हो। तो मान लेंगे लेंस को वस्तु से कितनी दूरी पर रखा जाता है, यक्ष दूरी पर रखा जाएगा, प्रतिबिंब इस पर्दे पर बनेगा तो लेंस की प्रतिबिंब से दूरी कितनी हो जाएगी 75 - यक्ष। यानी माना लेंस की वस्तु से दूरी क्या है स्मॉल एक्स, तब u बराबर कितना हो जाएगा माइनस एक्स और v बराबर क्या हो जाएगा प्लस 75 - एक्स और f आपको मालूम है 12 सेंटीमीटर। तो चूंकि फार्मूला होता है uv अपने संबंध 1/v प्लस माइनस
वन अपान यू, मान रखेंगे 1/12 बराबर 1/V का मान आपका कितना दिया है 75 माइनस एक्स ब्रैकेट में, और प्लस यू का मान निगेटिव है तो 1/x, और इसको आप सॉल्व करेंगे द्विघात समीकरण बनेगा और आपका उत्तर आ जाएगा। ये द्विघात समीकरण बनेगा और आपका उत्तर जो है आ जाएगा 15 या 60 सेंटीमीटर आएगा। क्लियर हो गया? इसी से संबंधित एक सवाल आपको मैं और बता देता हूँ। जितने भी सवाल है दिए जा रहे हैं उनको आप लगाइएगा, मैं कल फिर आपको 10 सवाल और दे दूँगा, उनको आप ज़रूर लगाने का प्रयास करिएगा। और मुझे कष्ट तो फर्स्ट ईयर A1 वाले बच्चों से ज़्यादा कष्ट है, बाकी को तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, बाकी लोग तो पढ़ ही रहे हैं, पर फर्स्ट ईयर A1 का एक भी बच्चा हमसे आज तक सवाल नहीं पूछा। या तो उनको मेरे बताए हुए सारे सवाल आ रहे होंगे, या तो वो आराम से बैठे हैं, तो आराम से मत बैठिए, अगर बैठे हैं आराम से। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं, उसी के बारे में चर्चा करते हैं। कह रहा है कि एक वस्तु एक लेंस से नियत दूरी पर रखी जाती है। ध्यान से सवाल समझिएगा, एक वस्तु एक लेंस से नियत दूरी पर रखी जाती है, ये वस्तु और आपका ये लेंस है। अब यहां लेंस दिया है तो आप उत्तल ही मानिएगा, जब लेंस कही की बात है केवल लेंस ही कहे तो उत्तल ही माना जाएगा। एक वस्तु एक लेंस से नियत दूरी पर रखी जाती है, मान लो दूरी कौन सी है, लेंस द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब उससे 30 मीटर दूर रखे पर्दे पर प्राप्त होता है, यह आपका पर्दा है। कहां पर प्राप्त होता है? लेंस द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ से प्राप्त होता है? उससे 30 लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर एक पर्दे पर प्राप्त होता है। ठीक है, अब कह रहा है यदि लेंस को वस्तु की ओर लेंस को पर्दे की ओर यदि लेंस को पर्दे की ओर वस्तु तो आपका यही है, आपके क्या किया गया है कि लेंस को पर्दे की ओर 5 सेंटीमीटर खिसका दें, लेंस को पर्दे वस्तु आपका वही है पर आपकी लेंस को क्या किया है 5 सेंटीमीटर पर्दे की ओर खिसका दें, तो वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पर्दे को लेंस की ओर कितना खिसकाना पड़ता है 5 सेंटीमीटर खिसकाना पड़ता है। यानी अगर लेंस को बस पर्दे की ओर 5 सेंटीमीटर खिसका दें इधर खिसका दें तो पर्दे पर पुनः वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए पर्दे को लेंस की ओर 5 सेंटीमीटर इधर खिसकाना पड़ता है। तो लेंस इधर 5 सेंटीमीटर खिसका, पर्दा इधर खिसका 5 सेंटीमीटर, तो अब इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर हो जाएगी। और लेंस की वस्तु से दूरी कितनी हो जाएगी, पहले x थी 5 सेंटीमीटर उधर गया तो x प्लस कितना हो जाएगा 5। तो आपको बताना है लेंस की फोकस दूरी की गणना करनी है। कैसे करेंगे? माना वस्तु की लेंस से दूरी जो है, वस्तु की लेंस से दूरी आप मान लीजिए x है, तो प्रथम स्थिति की बात करते हैं। प्रथम स्थिति में आप देखेंगे तो u बराबर कितना है चिन्ह सहित माइनस एक्स, और v बराबर क्या हो जाएगा उधर, तो कितना हो जाएगा प्लस 30 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर लेंस की मान लीजिए कि माना वस्तु की लेंस से दूरी स्मॉल x है, तथा ये मान लीजिए फोकस दूरी लेंस की फोकस दूरी कितनी मान ले, फोकस दूरी इस्तेमाल या, तब क्या हो जाएगा फार्मूला, इसको यू वन मान लो इसको वी वन मान लो, तब 1/f बराबर क्या हो जाएगा 1/v1 माइनस 1/u1। यब लेंस वही है इसलिए फोकस दूरी बदलेगी नहीं, 1/f बराबर वी वन का मान 30 है और ये प्लस 1/f। संबंध नंबर 1। अब द्वितीय स्थिति की बात करते हैं, द्वितीय स्थिति में बात करते हैं, तो द्वितीय स्थिति में क्या हो जाएगा, u2 बराबर हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 5 और v2 का मान कितना हो जाएगा प्लस 20 सेंटीमीटर। इसलिए फिर वही लगाइए 1/f बराबर 1/v2 माइनस 1/u, मान रख दीजिएगा, तो मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा,
अगर आप यहाँ मान रखेंगे तो एक बटे यफ बराबर बी टू का मान कितना है 20 सेंटीमीटर, ये प्लस हो जाएगा 1/5x+5। संबंध नंबर दो, समीकरण एक और दो को देखिए, समीकरण एक और दो से देखिए ध्यान से, तो एक और दो को देखेंगे तो दोनों के लेफ्ट बराबर है, समीकरण एक और समीकरण दो के लेफ्ट बराबर है, तो क्या हो जाएगा 1/30 + 1/x = 1/20 + 1/x+। अब आप इसको हल करके निकाल लीजिएगा, x का मान निकल जाएगा, x का मान चाहे समीकरण एक में चाहे दो में रख के लेंस की फोकस दूरी निकाल लीजिएगा। तो ये इससे संबंधित कुछ सवाल मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद में आगे चर्चा हम कल करेंगे। हम इसके साथ इस वीडियो के साथ कुछ क्वेश्चंस आप भेज देंगे, आप उनको सॉल्व करिएगा, जो भी प्रॉब्लम होगी उसको आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बता दीजिएगा, मैं उसी समय उसको सॉल्व करके आपको पहुँच दे दूँगा। और सोमवार से एक नया चैप्टर प्रिज्म शुरू होगा, प्रिज्म पर अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, इसके बारे में चर्चा हो जाएगी। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो नहीं पढ़ने वाले हैं, वो सभी लोग ध्यान से पढ़ें, क्योंकि देखिए समस्या कभी ख़त्म ना होने वाली समस्या है। ऐसा भी हो सकता है कि परीक्षा बिना क्लास देवे थोड़ा सा चलेगा ही, बहुत कम समय आपको मिलेगा, तो जो कम समय मिलेगा उसमें लोग जल्दी जल्दी आपको पढ़ाएंगे, जल्दी जल्दी ख़त्म करेंगे, तो ऐसी स्थिति में आप पहले से प्रिपेयर नहीं रहेंगे तो आपको दिक्कत होगी। इसलिए जो भी टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं उनको मन से पढ़िए, उनका नोट्स बनाने का प्रयास कीजिए, कहीं मेरा नोट्स मिल जाए, कहीं का नोट्स मिल जाए तो उनसे मिला लीजिए, कहीं अलग से कुछ मैंने समटेंस बोला हो तो उसको आप इंक्लूड कर लीजिए उसमें, क्वेश्चन ज़रूर लगाइए और स्वस्थ रहिए। आगे चर्चा कल करेंगे, धन्यवाद।